आज नीलकंठ भाऊ के घर से एक और रिश्ता लौट गए। मैंने देखा लड़के वाले घर से निकले तो बहुत उखड़े उखड़े लग रहे थे। इसकी पढ़ाई को लेकर लड़के की माँ तो बहुत ही ज्यादा नाखुश थी। और पढ़ाओ बेटी को, यही होगा। नाक में उतना ही मोती पहनो जितने का बोझ उठा सको। ये मोती तो नाक से भी भारी है। कौन लड़का चाहेगा इतनी पढ़ी लिखी लड़की से शादी करना? जब घर ही संभालना था तो इतना पढ़ाया क्यों? जिंदगी भर कुआरी रह जाएगी, देख लेना। साई बाबा। प्रणाम साई। राम जी भला करे। योगीराज कब आए कोल्हापुर से? आज ही। पिछले कुछ सालों से आपकी बहुत याद आ रही थी। याद तो उन्हें किया जाता है जो दूर हो। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूं योगीराज। हाँ, आपके होने का आभास तो हमेशा रहता है और उससे मन को सुकून भी मिलता है। लेकिन आपका साक्षात दर्शन पाना मन के साथ साथ आंखों का होना भी सार्थक कर देता है। आपको सुन सकता हूँ, आपके चरण छू सकता हूँ, ये सब आपकी अनुपस्थिति में कहाँ संभव है। अरे भोला, जल्दी आओ। ये सब क्या है योगीराज? ये आपके लिए। जब मैं शिरडी में रहता था रोज आपको एक मुट्ठी गुड़ और चना खिलाता था। पिछले 5 साल में वो मौका कभी नहीं आया, इसलिए पिछले 5 सालों का गुड़ और चना एक साथ लाया हूं आपके लिए। तुम्हारा स्नेह है, लेकिन इतने गुड़ चने का मैं क्या करूंगा? मुझे थोड़ा गुड़ चना इसमें दे दो, मेरे लिए काफी होगा। लेकिन ये सब मैं आपके लिए लाया। अगर आपको ले जाने में दिक्कत है तो मैं द्वारका माई में रखवा देता हूँ। इतना गुड़ चना खत्म होने से पहले ही खराब हो जाएगा, मुझे थोड़ा सा इस पात्र में दे दो बस। ठीक है सही। मैंने सोचा था कि 5 साल का एक साथ में दे दूंगा, लेकिन ये मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी। आप कहते हैं आप मेरे साथ थे, लेकिन ये कैसा साथ है साई, जब मैं आपको रोज गुड़ चना खिला ही नहीं पाया। शिकायत करके आप ही के पास वापस आती हूँ। आपके बगैर और कोई सहारा नहीं है। मैं जानती हूँ
आपके आशीर्वाद से जो भी होगा अच्छा होगा। लेकिन जब तक नहीं होता है फिर आई बाबा को ये अपमान सहने का हौसला दे दीजिए। ये फूल कहाँ से? कहीं किसी ने श्रद्धा से चढ़ाए होंगे। राम जी ने यहाँ पहुंचा दिए। मेरे साईं बाबा, मेरे साईं बाबा। मैं भी कैसा मूर्ख हूँ, कोल्हापुर से शिरडी के फासले को भक्ति पर हावी होने दिया। मैं तो यही मानता था कि आप मेरे साथ नहीं हैं, जबकि आपके सच्चे भक्त आपसे दूर रहकर भी आपको अपने पास पाते। ये दिखाता है कि मेरी भक्ति, मेरी श्रद्धा में कितनी कमी है। मुझे माफ कर दीजिए साईं, मुझे माफ कर दीजिए। कमी तुम्हारे नजरिए में थी योगीराज। भक्ति चरण छूने से नहीं होती है, भक्ति सुनने से या दर्शन करने से भी नहीं होती है। सच्चा भक्त अपने कर्मों में गुरु को पाता है। अगर तुम हर रोज एक मुट्ठी गुड़ चना कोल्हापुर में ही किसी जरूरतमंद को देते तो मुझ तक पहुंच जाता। भले तुम मुझे याद करते या नहीं करते, केवल कर्म करते तो तुम्हें मेरी कमी का आभास कभी नहीं होता। ये गुड़ चना गरीब बच्चों को बांट देना। और हाँ, लाओ दो। ये मैं रख लेता हूं। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। राम जी भला करें।
कोई है घर पे? जो कुछ हुआ उसके बारे में उन्हें पता नहीं चलना चाहिए, वरना हम सभी जानते हैं क्या होगा। दादा जीते रहो। दादा बैठिए। क्यों नीलकंठ, कुछ ज्यादा ही व्यस्त हो गए हो आजकल। इतने दिन हो गए मुझे आके, लेकिन तुम्हें मिलने का समय नहीं मिला। माफ कीजिए भाऊ, काम में व्यस्त होने की वजह से कुछ याद नहीं रहा। अच्छा, और मैं सोच रहा था हमारे घर परिवार में काम काज से ज्यादा बड़ों को महत्व दिया जाता है। काका आयुष्मान भव, सुखी रहो। ये अपनी राधिका है ना? जी भाऊ। कितनी बड़ी हो गई है नीलकंठ, इसकी शादी ब्याह के बारे में सोचा है कुछ, या इसके लिए भी व्यस्त हो तुम? हम कोशिश कर रहे हैं भाऊ। अगर सच्ची कोशिश कर रहे होते तो अब तक राधिका का ब्याह हो जाना चाहिए था। फिर अभी तक लड़का क्यों नहीं मिला? ये सब क्या है? मैट्रिक की किताब? इसका मतलब ने राधिका से मैट्रिक करवाया। भाऊ राधिका पढ़ाई में बहुत अच्छी है, मैट्रिक में अव्वल आई है वो। और इस बात पे खुश हो रहे हो तुम? अपनी बेटी का भविष्य बर्बाद करके गर्व हो रहा है तुम्हें? अरे कैसे भूल सकते हो कि पढ़ाई लिखाई लड़कियों के लिए नहीं है। देखो नीलकंठ, मैंने तुम्हें सचेत किया था, लेकिन तुमने मेरे पीठ पीछे मेरी बात को महत्व नहीं दिया। इतनी हिम्मत हो गई तुम्हारी? अब समझ में आया तुम्हारी कोशिश सफल क्यों नहीं हो रही है। कौन करेगा तुम्हारी पढ़े लिखी बेटी से शादी? भाऊ हम लोग लड़का देख रहे हैं, और जल्द ही उसे कोई ना कोई ऐसा जरूर मिलेगा जो बिना किसी पूर्व अपेक्षा के उसे स्वीकार करे। मेरी भी दो बेटियां हैं, उनका दुर्भाग्य है कि वो राधिका से छोटी है। अगर राधिका का ब्याह नहीं होगा तो वो दोनों भी अनब्याही रह जाएगी, ये सोचा है तुमने? हमारे घर परिवार की बेटियां कुंवारी रह जाएगी, कुंवारी। भाऊ मैं कुछ करूंगा। तुम कुछ नहीं करोगे। अब जो कुछ भी करना है मैं करूंगा।
आज तक इस घर में मेरा शब्द अंतिम था और आज भी अंतिम ही होगा। अब मैं राधिका के लिए जल्द से जल्द कोई रिश्ता ढूंढूंगा और जो कोई भी पहला लड़का तैयार होगा उससे इसका ब्याह करा दूंगा। और मेरे इस निर्णय में मैं किसी को हस्तक्षेप नहीं करने दूंगा। देखा आपने, मुझे इसी बात का डर था। अब महादेव बाबू जल्दबाजी में कोई भी लड़का चुन लेंगे और हम मना भी नहीं कर पाएंगे। नहीं देवकी, देवकी राधिका साईं भक्त है, वो उसके साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे। और मुझे ये भी यकीन है कि राधिका के लिए अब साई ही सही लड़का देखेंगे, वो भी बहुत जल्द। भिक्षाम देही प्रणाम साईं। राम जी भला करें। कैसे हो श्रीपाद? आपका आशीर्वाद है साईं। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। कैसे हैं आप शिंदे जी? और सिंधु दई आप? आपकी कृपा है साई। साई, आप मुझे आबा कहके ही बुलाया करें ना, ज्यादा अपनापन सा लगता है। प्रणाम साई। राम जी भला करें। बाबा मैं दुकान जा रहा हूं और वर्धा बाजार। श्रीपाद जी। दादा एक जरूरी काम है जो कि मैं चाहता हूँ कि तुम करो। क्या काम है दादा? पास के गांव से बैलों के लिए चारा लाना है और अगर चारा बेकार आया तो बैलों में खेत जोतने की ताकत ही नहीं रहेगी। और खाद की गुणवत्ता की पहचान तुमसे अच्छी वाला किसको है? इस काम के लिए मैं सिर्फ तुम पे भरोसा कर सकता हूँ, इसीलिए मैं तुमसे बोल रहा हूँ। दादा मैंने तो सिर्फ इतना पूछा कि क्या काम, बाकी आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, क्योंकि मुझे अपने आप से ज्यादा अच्छे से आप जानते हैं। आबा, तबीयत कैसी है आपकी? आपने अचानक काम बंद कर दिया? सही, उम्र अपना एहसास दिलाने लगी है। खेती और दुकान की भागदौड़ पूरी नहीं कर पाता हूं।
जल्दी थक जाता हूँ। साईं, मैंने ही बाबा से कहा, जब मैं हूँ तो इनको इस उम्र में काम करने की क्या जरूरत है। अब इनके आराम करने के और हमारे काम करने के दिन हैं। ये तो तैयार ही नहीं थे, पर मैंने इनको मना लिया। चलता हूं बाबा। बाबा, आप अपना ख्याल रखा करिए। बिल्कुल, और आपके आशीर्वाद से श्रीपाद विनायक जैसे दो बेटे हैं, ये दोनों ही मेरी शक्ति बन जाती हैं। ये है तो सब कुछ सही चल रहा है। साईं, आपके पास थोड़ा समय हो तो एक बात करनी है। साईं, श्रीपाद की शादी की चिंता लगी रहती है आजकल। बाबा, आप फिर शुरू हो गए। मैंने कहा था ना कि मेरी शादी की चिंता मत कीजिए, जब होनी होगी तब हो जाएगी। बाबा, श्रीपाद बहुत ही नेक लड़का है और मेहनती भी, उसके लिए बहुत ही अच्छी लड़की मिले। रिश्ते तो कई आए, मगर आप तो जानते हैं श्रीपाद सिर्फ चौथी कक्षा तक पढ़ा है, और हर अच्छे घर की लड़की आजकल उससे ज्यादा ही पढ़ी लिखी होती है। बस इसी बात पे वो लोग शादी के लिए मना कर देते हैं। मेरा बेटा हीरा है साई, हीरा। पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या हुआ, उसे पढ़ाई की जरूरत भी नहीं थी। विनायक मैट्रिक पास है और हिसाब किताब संभाल लेता है, श्रीपाद खेती देख लेता है, और खेती संभालने के लिए शिक्षित होने की क्या जरूरत है। लेकिन आजकल की लड़कियां तो पांचवी कक्षा और आठवीं कक्षा तक पढ़ाई कर लेती हैं और फिर अपने आप को मेरे बेटे से बढ़कर समझती हैं। साईं, मैंने भी सोच लिया है, अपने बेटे श्रीपाद के लिए मैं एक अनपढ़ लेकिन आदर्श बहू ढूंढ के ही रहूंगी। बस यही है कि मिल ही नहीं रही है। आज ही श्रीपाद के लिए एक रिश्ते की बात आई है बंबई से। सुना है लड़की बड़ी सुशील है, कल हम लड़की देखने जा रहे हैं। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। आबा, यही लड़की आपके घर की बहू बनेगी, और यकीन मानिए ये आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली होगी। आपके घर की तस्वीर बदल देगी। तेरी महिमा मेरे साई, कौन जान पाया। ओम साई ओम, साई ओम, साई ओम। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।